जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती के बारे में, जहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट से सीधी भर्तियाँ जारी हो चुकी हैं, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुका है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती के लिए खास बात यह कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आपका भी सपना है एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाने का, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के मेल एवं फीमेल यानी कि पूरे भारत के महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 जनवरी 2022। साथ में अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कोस्ट गार्ड भर्ती के बारे में, जहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट से ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्तियां जारी हुई हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहां पर इस भर्ती का सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कैसे और कब तक आवेदन करना है, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सेलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग किस राज्य से हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि हम आपके एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में राज्य के हिसाब से सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ऑनरेशन नेम के बारे में, तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट से ये भर्ती होने जा रही है, जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर विभिन्न सारे पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जिसकी सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.alljobgyan.com पर देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर लगभग 96 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अक्रॉस इंडिया का रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच है तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन राइटन एग्जाम, मेरिट बेस, साथ में फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10वीं 12वीं पास वाले इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी,
साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स अपन बात करते हैं इस भर्ती के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी लगभग 21,400 रुपये पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती के लिए वजन के बारे में, तो यहाँ पर आपका वजन कम से कम 48 kg होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 जनवरी 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 31 जनवरी 2022 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, काफी वैकेंसी है, इस वैकेंसी संबंधित सभी इंपोर्टेंट लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इसी तरह की सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।